When I think about the pain I suffered many years ago. और जब उस गवाही को बताते हुए मैं जब अपनी उस दुख को याद करता हूँ जो मैं दुख में सहभागी हुआ. Still tears comes in my eyes. अभी भी मेरे आंखों में आंसू आते हैं. Because what I suffered. क्योंकि जो मैंने सहा. A 13-year-old boy. Never suffer. बालक छोटे बालक की नाई ऐसा मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं सहा. They took me to the hospital. उन्होंने मुझे अस्पताल लेके गए. When doctor saw me. डॉक्टर ने जब मुझे देखा. I was standing like this. मैं ऐसा खड़ा था. That's what devil wanted me to be. और ऐसा ही शैतान चाहता था कि मैं रहूं. When I was small. जब मैं छोटा सा ही था. He made me mentally retarded. और उसने मुझे मंदबुद्धि बना दिया था. But my God is a God. लेकिन मेरा परमेश्वर है. Who is living. जो जीवित है. Who made you and me. जिसने आपको और मुझे बनाया. Who is in you and me. जो आप में और मुझ में है. He will never change. वो कभी नहीं बदलता. परमेश्वर को स्वीकार करते हैं. And we get grace. और हमें अनुग्रह प्राप्त होता है. With that comes peace, love, joy. और उसमें जो है शांति आनंद और मेल मिला पाता है. I started an organization called TWCO. मैंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है TWCO. Together we can organize. उसका मतलब होता है हम एक साथ संस्था. Its motto is to let's live for others. और उसका उद्देश्य ये है कि हम दूसरों के लिए जिए. Remember one thing. एक बात को याद रखे. I want to make it very short and clear. मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से. When I started it. जब मैंने इसकी शुरुआत की. I was having zero balance in my account. मेरे अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं था. Still it's zero. और आज भी जीरो है. But it will never discourage me. लेकिन उसने मुझे निरुत्साह नहीं किया. Till now I have done worth more than 30,000 rupees. लेकिन अब तक जो मैंने 30,000 से भी लगभग का काम कर चुका हूँ. He provides. शुक्र ग्रहण करते हो. Hard time will come. कठिन समय आएंगे. People will leave you. लोग आपको छोड़ देंगे. People will forsake you. लोग आपको त्याग देंगे. Relatives will leave you. आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे. But remember one thing. लेकिन एक बात को याद रखें. Taste and see that the Lord is good. परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है. I have tasted it. क्योंकि मैंने उसको परख के देखा है. In zero balance I took one. क्योंकि वो आपके लिए मरा और उसने आपके लिए शर्म नहीं की. वो पूरी तरह नंगा हो गया और वो जो है उसके घोड़े खाने से तुम चंगे हो गए. जब आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट की जो पिक्चर देखी वो कुछ भी नहीं थी. आई सॉ क्राइस्ट. जब मैंने मसीह को देखा. आई सॉ स्किन. मैंने देखा कि चमड़े उसके हड्डी से निकल रहे हैं. आई सॉ द बोन्स. और मैंने उसकी हड्डियों को देखा. डोंट थिंक दैट वी डाइड जस्ट अ सिंपल डेथ. ऐसा मत सोचे कि वो ऐसे ही मरा आपके लिए. ही वाज स्लेन लाइक अ शीप. देखो एक वध की ने मेमने के नाई मारा गया. डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी. इस मौके को बिल्कुल ना खोए. यहाँ पे बहुत ऐसे भी हैं. गॉड इज स्पीकिंग टू यू. परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं. परीक्षा. लेकिन आप शर्म कर रहे हो. सो सैड. बहुत दुख की बात है. बहुत दुख की बात है. गॉड इज हैप्पी फॉर द वन. लेकिन जो सामने अपने जीवन को प्रभु के लिए दे रहे हैं उससे खुश है. इनके लिए वो खुश है. आई एम नथिंग. मैं कुछ नहीं. लेकिन जो मुझ में है ग्रेटर देन द वर्ल्ड. वो उससे जो संसार में उससे बड़ा है.
set me free. मुझे छुटकारा दे. Jesus, यीशु, thank you for dying for me. धन्यवाद मेरे लिए मारे जाने के लिए. I believe you rose from the dead. मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुर्दों में से जी उठा. And you are coming back again for me. और तू फिर से मेरे लिए आने वाला है. Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे. Give me a passion for the lost. मुझे खोए हुए के लिए ढूंढने के लिए एक तरस दे. A hunger for the things of God. परमेश्वर के प्रति एक भूख दे. And a holy boldness. और मुझ में एक पवित्र हियाव दे. To preach the gospel of Jesus Christ. ताकि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं. And saved. मैं बचाया गया. I am born again. मैं नया जन्म पाया. I am forgiven. मैं क्षमा प्राप्त किया. And I am on my way to heaven. और अब मैं इस समय में स्वर्ग के रास्ते पर हूँ. Because I have Jesus in my heart. क्योंकि मैं आज यीशु को अपने जीवन में देखता हूँ. Amen. 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 She was having a headache. What happened now? अभी सर दर्द हो रहा है. अभी थोड़ा Okay. थोड़ा. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरा नाम इवान्स है. It means good news. इसका मतलब है सुसमाचार. I hope I have brought the good news in your life. मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके जीवन में सुसमाचार को लेकर. God bless you all. हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं.